ये है लच्छी, गांव की वही अल्लड़ लच्छी जो कभी अपनी गरीबी के बावजूद खुश थी। किसी भी जवान लड़की की तरह आने वाले कल के रंगीन सपने देखा करती थी। उमंगों की पेंग पर लहराती उड़ती फिरती थी और इस बाजार में भी खूब चहकती थी, क्योंकि तब इसकी जिंदगी में प्यार था, विश्वास था और था रामुलू। ये रामुलू कट्टर बांध के एहसान दिखाता है क्या? चल उठा के रख दे मेरे सर पे, नखरा मत कर। हाँ। ए हट बेशरम, हट। तेरे को शर्म नहीं आती क्या? हाँ? सारी औरतें देख रही हैं पीछे, चल हट जाती है मैं। लेकिन काहे का शर्म? चल हट ना जाती है मैं, चल छोड़। अब हाथ मुंह धो के बाजार पहुंच, मैं गाय भैंस बांध के आता हूँ। अरे क्या हुआ, आज बहुत गुस्से में हो? कुछ नहीं रामनु, वो पोलैया है ना, ऐसे मेरे को छेड़ता रहता है। सच्ची बोलती है, एक दिन उसकी गर्दन काट के रख देगी। अरे ना ना ना, ऐसा ना करना, कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हो जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? देर से गाय को आया? ओ, गाय ढूंढने में टाइम लगा। अच्छा तू जा, पानी वानी पी ले, मैं देखता हूँ। अरे यो लच्छी, बड़ी तकदीर वाली है तू, बड़ा ख्याल रखता है रामलू तेरा। घास कटाई में मददगार भी यही और घास बाजार में खरीदार भी यही। क्यों रामलू, अपने जमींदार के जानवरों को लच्छी की घास खिलाता रहेगा या हमसे भी ले जाएगा कभी? लच्छी की घास इसे ज्यादा हरी लगती है। 10, 5, 15, 1, 2, 17 और 1, 18 ये ले सामान, 18 रुपए। 18 रुपए? हाँ। मैं तो पूरा 15 में ही बेच देती। तू ना बहुत सीधी है, अधिक कम पैसे मत बेचा कर, और मैं हूँ ना खरीदने को, और जो बाकी बचा ना वो जमींदार के यहाँ रखा है। ए रामलू, हाँ। तू मेरे लिए इतना करता है, हाँ। और पूरे के पूरे पैसे भी लाकर मेरे को दे देता है, इसमें तेरा भी हिस्सा ना को क्या? हिस्से की बात काहे को करती है, हैं? देख, मेरी पूरी जिंदगी तेरी है ना, तू मानती है क्या? देख चल रे, मेरे को फिर से बातों में बहला रहा है। अच्छा देख, तू घास काटने में मेरी मदद करता है, हाँ। घास बेचने में मेरी मदद करता है, हाँ। और फिर भी कुछ नहीं लेता है गाय को। मदद की कोई कीमत नहीं होती। बहुत बातें बनाता है तू। मैं जाती है, घर में चूल्हा भी जलाना है ना। ए लच्छी, चल जल्दी कर, तेरा दिया बत्ती हो गया कि नहीं? चल पैसे दे, मेरे को जाना है, मेरा दिया बत्ती करने का टाइम हो गया। दे, 2 मिनट रुक नहीं सकते क्या? देती है। अम्मू, पूरा दिन इंतजार करता तेरा, 2 मिनट नहीं रोक सकता मैं? अरे तू कमा के लाती है, तेरा हुक्म चलता है वो। नको कमाएगी तो ये पेट और तेरी ये बोतल कौन भरेगा? करने का नहीं है, बस बेटी की कमाई पे गुजारा करने का। ले
तना मारती तू, तेरे बाबा ने तेरे को पैदा किया, तना मारती तू, ऐसा नहीं किया तू मेरे को पैसा देके, खाना बना कर रख, दारू भी खाता है। अरे तेरे को जिंदा रखने के लिए तो मैं जिंदा है। सुन, बैठ इधर। किधर गया था? बाबा मैं वो जमींदार के घर गया था। तू झूठ बोलता है, मैं उधर देख क्या, तू उधर को नहीं था, गया होगा उसे घसीटने के चक्कर में। बाबा मैं तो चुप कर, सारा गांव अंधा है क्या, किसी को दिखाई नहीं देता, मेरे को भी सब खबर है। क्या बोलते बाबा, ऐसा कुछ नहीं ना। अगर है भी तो सब भूल जा, हम उससे उसी जात के लोग हैं, वो तेरे काबिल नहीं। आओ देख, तेरे लिए शादी का एक रिश्ता है, अच्छा पैसे वाला घर है, लेन देन अच्छा करेगा, मैंने तो हाँ भी बोल दिया। बाबा मैं तो, अरे जिंदगी भर जमींदार के जानवर ही चलाता रहेगा कि कुछ काम धंधा भी करेगा, मैंने तेरी जिंदगी बनाने के खातिर ये रिश्ता कबूल कर लिया है, क्या बोलता है? बाबा धंधा शुरू करने का है मगर। अरे काहे का अगर मगर, तेरे को बोला ना भूल जाओ छोकरी को। देख मेरे पसंद की छोकरी शादी करेगा ना, तू जमींदार बन जाएगा जमींदार। बाबा मैं जमींदार कैसे? अरे तू समझता नहीं है, देख मैं तेरे को बताता हूँ, वो छोकरी अपने बाप की अकेली औलाद है, शादी के बाद जब तेरे घर आएगी ना तो बाप की सारी जायदाद लेकर आएगी, समझा क्या? ए लच्ची, बेचैन काय को होती है, आ जाएगा अपना काम निपटा कर। अरे लच्ची कटाई कर, कटाई अपनी ही मेहनत काम आती है, जिंदगी दूसरे के भरोसे नहीं चलती। चलती देव अम्मा, जिंदगी भरोसे पर ही चलती है, रामोली उसकी कितनी मदद करता है, तभी तो भरोसा करती है उस पे। अरे आए नहीं आए ठेंगे से, मैं थोड़ी बोलती हूँ आने को, खुद ही आता है। फिर भी इंतजार तो करती है ना, अब इंतजार मत करना उसका। क्यों? क्योंकि वो किसी और से ब्याह करने वाला है। क्या बोली तू? क्या बोली तू? पर मेरे को नहीं बताया। तेरे को कैसे मालूम देव अम्मा? आज सुबह रामुलू की अम्मा बोली, रामुलू ब्याह करने को राजी हो गया है, छोकरी का बाप अच्छा दहेज देगा। मरद जात का कोई भरोसा नहीं, फेरे लेता है लच्ची के साथ और गांठ बांधता है दूसरी से। अरे अरे तुम लोग काय को उसके ऊपर गुस्सा करती है? मैं थोड़ी बोली उससे कि मेरे से शादी कर, उसकी मर्जी, चाहे जिससे शादी करे। दहेज के लालच में फिसल गया बेचारी लच्ची। लच्चे, 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 सुनो तो, लच्चे, लच्चे, सुनो तो, अरे लच्ची, सुन तो, अरे लच्ची कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनती नहीं क्या? ओहो, इसलिए नाराज है, आज मैं वो क्या, भैंस खो गई थी? हाँ, पर तुझे किसने बताया? तूने? मैंने? मैंने कब? रामलू तू जाना, तू जाना अपनी भैंस को ढूंढ, जा। वो मिल गई है और खूंटे से बांध दिया, अब वो कहीं नहीं जाएगी।
तो ऐसा कर, तू भी जा और अपने आप को खूंटे से बांध ले। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने भरोसे जीती, तेरे भरोसे नहीं। वो पैसे वाली मिल गई है ना? तेरे को कौन बोला? कोई भी बोला मेरे को, कोई भी बोला। तेरी शादी पक्की हो गई है ना? हाँ, छोकरी पैसे वाली है ना, तेरे को अच्छा दहेज मिल रहा है ना? अरे अरे, बोलता क्यों नहीं है? बोलना, सच बोलने में कैसी शर्म है? हाँ बाबा, वो उदृश शादी करने का, जानवर जमीन और पैसे मिलेंगे। बाबूजी मानती नहीं, मैं क्या करूं लच्ची? मेरे को काय को पूछता? तू शादी कर, जमीन ले, जानवर ले, दहेज ले, मैं तो कभी जास्ती पैसा देखी नहीं। तू देखेगा तो मेरे को खुशी होगी। रामलू पैसा बहुत बड़ी चीज है, रामलू पैसा बहुत बड़ी चीज है। जा, जा। और रामलू की शादी हो गई, लच्छी उससे फिर कभी नहीं मिली। अब लच्छी की जिंदगी घास मैदान, घास बाजार, घर और अपनी खामोशी में ही सिमट कर रह गई है। रंगया, मेरे को एक ही चिंता रहे, लाची ससुराल जाएगा तो मेरा कैसा होगा? तुम्हारा या तुम्हारा दारू का रे चिंता करता है? यही चरे खाने पीने का, वो कमा के लाते इसलिए खाने को मिलता, पीने को मिलता। मैं उसका बाप रे, उसके शादी के बारे में सोचना पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे, तू सोचना कब से लग गया रे? सोचता है। ए, ये क्या कर रहे? अरे खाली बोतल में पानी क्यों डाल रहा है? अरे दारू के खाली बोतल में पानी डालेगा तो पानी मिलेगा, दारू नहीं मिलने वाली। तू नहीं समझेगा? मैं नहीं समझेगा? दिमाग को झटका पड़ जाता ना तो आदमी के दारू का प्यास बढ़ जाता, इसलिए काली बोतल में पानी डाल के पी लेता हूँ। ये देख, मेरी एक बात सुन, तो ऐसा तरकीब क्यों नहीं निकालता रे कि लच्ची की शादी भी हो जाएगी और उसकी कमाई के बगैर तू जिंदगी भी काट सके? ऐसे कैसे होगा? ऐसे होगा, बेहतर होगा, होगा होगा। देख, देख, तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो ऐसा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? लेकिन मेरे पास बहुत सारा पैसा कहाँ से आएगा? ये बात मैं तेरे को समझा रहा कि लाची आ रही है, मैं बाद में बात करेंगे तेरे से। मैं बाद में बात करता ना लाची आ रही है। ये रंगैया काय को आया था? ये इधर से जा रहा था, बस आ गया। तू इतना जल्दी कैसे आ गई? तास जल्दी बिक गई। ले दे। एक ही है? सिर्फ 5 रुपए है? दाल चावल लेके इतना ही बचा है, आज कमाई ज्यादा नहीं हुई। तो क्या मैं उधर का पीऊंगा क्या? खरीदार से ये तो नहीं बोल सकती कि मेरे बाप की दारू के लिए भी पैसे दो। ए लच्ची, ए एहसान कर रही है मुझ पर? कर रही है। एहसान कर रही है? 5 रुपया एहसान करके बोल दी।
देख मेरी पूरी जिंदगी तेरी है ना। अब इंतजार मत करना उसका, क्योंकि वो किसी और से ब्याह करने वाला है। रामलु ब्याह करने को राजी हो गया है, छोकरी का बाप अच्छा दहेज देगा। बहुत पैसा आएगा, घास बेच के आएगा, घास खरीद के आएगा। पैसा जिंदा रखता है, पैसा खाना देता है, पैसा दारू देता है। फिर भी क्या आ गया तू? फिर भी क्या आ गया? चल बैठ। पैसा तो कम दिया था, ज्यादा किधर से भी क्या आया? उधार लिया क्या? उधार लिया तो क्या हुआ? मैं दे देगा पैसा। तू देगा पैसा? किधर से आएगा? आसमान से टपकेगा क्या? तू फिक्र मत कर, मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है। बस तू सपने देखता रहे, देखता रहे सपने। बैठ, खाना लाती है। बहुत पैसा है, खाना लाती है। बैठ। बहुत पैसा आएगा, दिन भर मेहनत नहीं करती है, मेहनत नहीं करती, मजदूरी नहीं करती है, बहुत पैसा आएगा। रामुलु लच्छी से दूर हो गया और पास आ गया बेवफाई का गम, जिसे लच्छी अपनी खामोशी से ढकने की हर सक कोशिश करती। अपने अकेलेपन में घुटती लच्छी ने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया। मलैया कौन रे? अरे रंगे तुम है? किधर गायब हो गए तेरे? तुम 2 महीने के बाद शक्ल बताने पाया, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं आया, लाश के लिए बहुत बड़ा रिश्ता लेके आया मैं। घर वो लेकिन मालदार है, मालदार। सुबह रहो घर वो। आइए 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 बैठे। मलैया अपने लाच का नसीब इतना बड़ा कि इतना अच्छा रिश्ता घर तक चला आया। ये सुब्बाराव गारू है, ये मलैया लड़की के पिताजी। ये सुब्बाराव गारू को अपनी तीसरी शादी करने की थी, इसलिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो मैं सीधा तुम्हारे पास लेके आया। तो सब ठीक है रे, लेकिन 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 कुछ नहीं, मैं उनको सारी बात समझाया। वो तेरे को इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि तुम्हारे बुढ़ापे का सारा बंदोबस्त हो जाएगा। देखो जी, हमको एक ही लड़की है, लक्ष्मी जैसी। वो लड़की शादी होके जाएगा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा निकल जाएगा। बुढ़ापे में हमको कौन सहारा देगा? अकेला आदमी है ना। देखो रंगैया, सब कुछ बता दिया, आपका लड़की को भी दिखाया, हमको बहुत पसंद है। अब आप बताओ, 8,000 में ये रिश्ता मंजूर है? 8,000? 8,000 कम है बाबा, सेट बढ़ाओ ना, 2,000 बढ़ा। अच्छा 10,000 में मंजूर है? 10,000? अरे नहीं मत बोलना, 10,000। 10,000? हाँ, 10,000 कोई कम है क्या? ये 10,000 सिर्फ तुम्हारे लिए, शादी का खर्चा अलग से। मैं कहता हूँ लाची को उनके हाथ में सौंप दो, सुखी होगी, सुखी होगी। 10,000? सच तुझ थोड़ा। ये लो 1,000 रुपये। ये 1,000, ये लोग, ये अले रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। 4 दिन बाद एकादशी है, शुभ मुहूर्तम। मलैया उसी दिन शादी करके मंदिर से लाच को ये लेके जाएंगे, और वो बाकी पैसा सब दे दे, सब दे। वो चलो चलो।
फिर उधार पी के आ गया? फिर उधार पी के आ गया? नहीं उधार नहीं पिया, देख अंग्रेजी पी गया अंग्रेजी। तू उधार के पिया है बोली? अरे उधार वापस करके आया, देख उधार वापस करके आया। किधर से आए पैसे? किधर से आए पैसे? पापा कहीं तूने तूने चोरी तो नहीं की? चोरी नहीं की, अपने पैसे से पिया है। देख मेरे पास पैसा, देख ये देख। किधर से आए पैसे? बोल बोल किधर से आए पैसे? किसने दिए पैसे? बोल बोल किसने दिए? तेरे दूल्हे ने दिए हैं। तेरा शादी पक्का किया ना? तेरा शादी लड़कियों ने पैसे दिए। लेकिन अब तू घास नहीं काटेगी। शादी पक्का किया? किसी ने तेरे हाथ में पैसा रख दिया, किसी ने तुझे ये दारू पिला दी, तूने उसे अपनी बेटी का दूल्हा मान लिया? कितने पैसे दिए? बोल कितने पैसे दिए? 10,000। 10,000? तू देखा 10,000? मैंने भी नहीं देखा। मैं तेरे शादी के दिन देखूंगा, तेरे शादी के दिन देखूंगा। मेरी शादी के दिन देखेगा? मेरी शादी के दिन देखेगा? मेरी शादी पक्की कर दी है तूने? ये क्यों नहीं कहता कि अपनी बेटी का सौदा कर दिया है? बेच दिया तूने अपनी बेटी को, बेच दिया 10,000 रुपए के लिए, बेच दिया तूने दारू के लिए अपनी बेटी को, बेच दिया तूने अपनी बेटी को, बेच दिया तूने अपनी बेटी को, बेच दिया 10,000 रुपए के लिए। देखना लच्ची आज भी वैसे ही गुमसुम बैठी है। शादी की बात सुन के तो लड़कियां खुश होती है ना? हाँ मगर बाप की फिक्र तो होगी ही ना, वो चली गई तो उसे देखने वाला और कोई नहीं है। बहुत सेवा की उस बुड्ढे की, अब जिंदगी भर बैठ के खिलाएगी क्या उसे? हाँ लच्ची कितने का दिया? 20। बहुत महंगा है, 18 में दे दे। मुनासिब है वेंकैया, ज्यादा नहीं बोली। ऐसा क्या? कम में नहीं देगी। ले ये 20 रुपया ले, गठरी उठा और चल मेरे साथ। किधर? अरे उठा बोला ना, चल मैं बताता हूँ ना तेरे को। चल हाथ लगा। वेंकैया तू तू रामुलू के गाय के लिए घास लेके आया? माफी करना लाची, मैंने तेरे को बताया नहीं, बता दी तो तू आती नहीं ना। तो मेरे से घास काय को लिया? उधर और भी तो थी ना। रामलू बोला तेरे से लेने को। अच्छा, अभी काम कर, बहुत दिन हुआ उसको देखा नहीं है। 2 दिन बाद तो मेरी शादी है, फिर किधर मिलना है? बोलना, मैं मिलना चाहती हूँ। ठीक है तुम रुको यहाँ पे, मैं बोल के आता हूँ। रुको। लाची आओ। दो दिन बाद तुम्हारी शादी है ना, लो लो। भगवान को मनाती हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छी, तुम बहुत खुश रहो और तुम्हारा सुहाग सलामत रहे। रामुलू गारू अगर घर में हो तो एक बार मिलना चाहती है ना? भेजती मैं। वो घर पर नहीं है, शायद बाहर चले गए। अच्छा लच्छी अपने बूढ़े पति के साथ ससुराल चली गई।
6 महीने बीत गए। तब तक मलैया ने भी सारे पैसे शराब में फूंक दिए। बूढ़ा पति भी साथ छोड़ गया। और एक दिन लच्छी घास के मैदान में फिर दिखी। शायद ईश्वर को भी लच्छी के बाप पर तरस आ गया और उसकी दारू का खर्च उठाने के लिए उसने लच्छी को वापस भेज दिया। मैदान वही है, बाजार वही है, घास भी उतनी ही हरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि लच्छी की मांग में सिंदूर नहीं है।